हरमाड़ा के वार्ड नंबर 1 के शिव मंदिर में पौषवाड़ा महोत्सव का किया आयोजन, प्रसादी का किया वितरण। पौष का महीना शुरू होते ही शहरवासियों को देवस्थानों पर पौषवाड़ा प्रसादी का इंतजार रहता है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों में हलवा और पौषवाड़ों के भोग लगने के साथ श्रद्धालुओं का पौषवाड़ा प्रसादी वितरित की जाने लगती है। इसी दौरान हरमाड़ा क्षेत्र के जयपुर सीकर हाईवे स्थित कोठी त्यागधाड़ी ग्राम में नींदण वार्ड नंबर 1 शिव मंदिर में रविवार को पौषवाड़ा महोत्सव का आयोजन हुआ। भगवान शिव के दरबार में भव्य मनमोहक झांकी सजाई गई। इसके बाद पौषवाड़ा और हलवे का भोग लगाया गया। दूर दूर से भक्त शिव के दरबार पहुंचे थे और धौक लगाई। हजारों की संख्या में भक्तों ने शिव के दरबार में पंगत प्रसादी ग्रहण की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वार्ड नंबर 1 की पार्षद धापा देवी व पूर्व पार्षद सीएम शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हरियाणा ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विरदी चंद कठोरिया, कठोत्या बंशीधर बोहरा, रामकरण बीलवा, भागचंद बीलवा रहे, जिनको साफा व माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। पूर्व पार्षद सीएम शर्मा ने बताया, पौषवाड़ा महोत्सव एक ऐसा उत्सव है जिसमें हिंदू पंचांग के पौष महीने में ही मनाया जाता है, जिसमें दाल की पकौड़ियां बनाई जाती हैं, हलवा बनाया जाता है जिसका भगवान को भोग लगता है, जिसे पौषवाड़ा महोत्सव कहा जाता है। जयपुर के अनेक देवालयों में पौषवाड़ा महोत्सव का आयोजन काफी समय से किया जा रहा है। विभिन्न मंदिरों में दाल के बड़े गर्म हलवे का प्रसाद भगवान को चढ़ाया जाता है, जिसके बाद भक्तों को प्रसादी भी वितरित की जाती है। पौष का महीना दान के लिए भी बहुत ही शुभ माना जाता है। जयपुर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में मंदिरों में पौषवाड़ा महोत्सव बहुत ही प्रचलित हो चुका है। पौष के महीने में जयपुर में ऐसा कोई मंदिर नहीं बचा होगा जहां पौषवाड़ा महोत्सव नहीं मनाया जाता हो। इस मौके पर वार्ड नंबर 3 के पार्षद शंकरलाल बोहरा, कल्याण मोहन ग्यारसीलाल, शंकरलाल जयपाल, कालूराम पप्पूलाल, बंसीलाल प्रहलाद, नानूराम दीपू, बल्लू गोपाल लाल, गणेश बोहरा, घासीराम आदि लोग उपस्थित रहे। रिपोर्ट, न्यूज लाइव राजस्थान, जयपुर।